मिस्टर साजन आपके चाचा जी को बहू कैसे चाहिए? वेल एजुकेटेड, लेकिन वो खुद क्या है? आंधी वाले वासी। मैडम आंधी वाले वासी नहीं, अंधविश्वासी होता है वो। व्हाटएवर मिस्टर साजन, आई कॉल दैट बीइंग सुपरस्टिशियस। मिस्टर साजन, यू नो इट बेटर। एंड व्हाट इज दैट बगीचे वाले बाबा? व्हाट इज दैट नॉनसेंस मिस्टर साजन? मैडम वो बेचारे भोले वाले आदमी है, पोता पोती की चाहत में बाबाओं की चौखट पे पहुंच गए बस। I don't believe in these babas, Mr. Sargent. Anyway, मैंने डॉक्टर को बुला दिया है। He will come here. वो मुझे चेक करेंगे और मुझे बताएंगे कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं। No. डॉक्टर। हेलो मैडम, मैं डॉक्टर मुन्नालाल। बताइए आपको बीमारी क्या है? डॉक, मुझे उल्टियां हो रही हैं, throwing up. क्यों? वो मैं बताता हूँ आपको डॉक्टर साहब, एक्चुअली मेरे चाचा जी ना एक बगीचा वाले बाबा करके हैं, उनके वहां से एप्पल लेके आए थे मेरी पत्नी को खिलाने के लिए ताकि वो माँ बन सके, लेकिन गलती से वो एप्पल इन्होंने खा लिया, तब से इन्हें लगातार वॉमिटिंग हो रही है। खुशखबरी, मुबारक हो, मुबारक हो, मतलब आप माँ बनने वाली है। Are you insane, doc? आप बिना चेकअप किए ये कैसे बता सकते हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? बाबा जी के आशीर्वाद से। बगीचा बाबा चमत्कारी बाबा हैं और उनको जो गुरु थे वो थे खलिहान बाबा। उन्होंने मेरी माँ को संतरा दिया था औलाद के लिए। फिर आपकी माँ को औलाद हुई? ओ, मतलब आप उस संतरे के बीज है? यस। और उन्हीं के शिष्य बागीचा बाबा ने जो फल दिया है तो ये पल आपकी फैमिली के लिए खुशी का पल है। आई डोंट बिलीव दिस डॉग। प्रेगनेंसी का रिजल्ट रिफ्लेक्ट होने में 7 से 8 दिन लगते हैं। क्या है, जब बाबा जी ने कह दिया तो बाबा या बेबी उनके आशीर्वाद से तो होना ही है। खैर मुबारक हो, कांग्रेट्स। चलिए, हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय बाय एंड हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। मुझे ये डॉक्टर साहब भी चाचा जी की बैच के लग रहे थे। अगर ये सच हुआ मिस्टर साजन तो मैं अच्छा पलटा है। पिलोटे, मैं आज तेरे साथ है ना बहुत अर्जेंट बात करना चाहता हूँ तेरे भविष्य के बारे में। ये लीजिए। ये क्या है? मेरी अकाउंट डिटेल्स है। मुझे पता है कि जो 3 करोड़ आप मुझे देने वाले हैं ना, इस बार आप मेरे अकाउंट में सीधे ट्रांसफर करेंगे। बिलोटे, वॉकिंग बस डोंट क्लाइंब। वॉकिंग बस डोंट क्लाइंब? चलती बस में मत चढ़। पहले मेरी बात सुन। मैंने ना ये उंगली यहाँ लगा के कल रात को बहुत चाचा जी, जी आपके लिए हॉट चपाती, बटर किल्ड। बटर किल्ड है मेरा? मक्खन मार के। अरे बेटा तेरे को तो पता है कि मेरे को डॉक्टर ने ये बटर बटर खाने के लिए मना किया। तू तो है ना ऐसा कर, मेरे लिए ना कुछ हल्का फुल्का बना के लेके आ। तू है ना वो ना लाइट से घी में तले वो आलू के पराठे ले आ। ठीक है चाचा जी, अभी 2 मिनट में लाई। नहीं नहीं नहीं, कुछ जल्दी नहीं है, आराम आराम से बना के लेके आ। धनिया मिर्ची किल्ड, धनिया मिर्ची मार के। हाँ ठीक है। क्या बेटा? चाचा जी, क्या सोचा आपने उंगली लगा के?
हाँ बिलोटे, मैंने कल रात को ये सोचा। अरे मेरे थाली में पड़े धोनी वाले, पूछियो रे इनसे कि ये मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ खाना खाने नहीं इनका बच्चा चुराने आई हूँ। कमाल कर रही हैं आप, आपकी बेटी वहाँ किचन में मेहनत कर रही है और आप यहाँ दबा के नाश्ता करने के लिए आई हैं। दबाते तो ना। नहीं नहीं, दबा दो इस बात को ही, हो गया बस। जाइए जाइए, आप अपनी बेटी की मदद करेंगी ना तो बेटर होगा। प्लीज गो गो एंड हेल्प हर। शरारती कहीं के। चाचा जी ने आपको भी भगा दिया। चाचा जी क्या सोच गए आप? जरूर संजू के साथ मिलकर गाजरों में गुठलियां मिला रहे। गाजरों में गुठलियां तो नवाब साहब मिलाते थे। तूने कौन सी सब्जी बनाई है? गाजर आलू। मैंने ना कल रात को बहुत सोचा और फाइनली मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि हमको है ना कि कश्मीरा को घर से बाहर निकाल देना चाहिए। और संजना को। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि हमें कश्मीरा को घर से बाहर निकाल देना चाहिए और संजना को घर में बहू बनाकर ले आना चाहिए। क्या कह रहे हैं चाचा जी आप? मैडम मुझे नौकरी से निकाल देंगे इस बार। नौकरी? कौन सी नौकरी? मुझे नहीं चाचा जी, कश्मीरा को नौकरी से निकाल देंगी वो, आप समझ नहीं रहे, इसी की वजह से तो हमारा तलाक हुआ है, वो भड़की हुई है इस पे, और अब तो कश्मीरा ही मेरी बीवी है ना। अबे अब तेरी बीवी है ना, पर पहले तो संजना थी। नॉक क्वीन होती है पट क्वीन नहीं बन सकती कभी। मतलब नौकरानी नौकरानी होती है, पटरानी कभी नहीं बन सकती। तो संजना हमको पोती देगी और ये कश्मीरा क्या देगी? आलू के पराठे। अबे आलू के पराठे तो हम चांदनी चौक में भी जाके खा सकते हैं। सुना तुम्हें अंग्रेजी कितनी घटिया टाइप की बोलती है, बटर किल्ड। अबे ऐसी घटिया अंग्रेजी अगर हमारे गांव में कोई बोलता ना तो टैबलेट वॉक शुरू हो जाती। टैबलेट वॉक? गोलियां चलनी शुरू हो जाती। अबे ऐसी घटिया अंग्रेजी तो मैंने जूनियर केजी के बच्चे के मुंह से नहीं सुनी कभी। लेकिन चाचा जी आप। अबे लेकिन मैं कुछ नहीं, तू संजना को बहू बनाकर लेके आ रहा है। नहीं तो इस गम में है ना मेरे को दिल का टूर आ जाएगा। दिल का टूर? अबे दिल का दौरा आ जाएगा। भाई तू बहू को लेके आ, कल तू बहू को जो है वो मॉल में लेके जाएगा और घुमा के लेके आएगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है चाचा जी, आप इनके साथ चले जाइए और ये आलू का पराठा खा लीजिए। अरे बेटा ये एक पराठे से मेरा क्या होगा, दो तीन पराठे लेके आ, तेरे को तो पता है मैं बहुत कम खाता हूँ। चल। तू संजना को यहाँ पर बहू बनाकर लेके आएगा, समझा? ये ऑर्डर है मेरा। चाचा जी आपके ऑर्डर के चक्कर में ये घर इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर बन जाएगा। बन जाने के बॉर्डर, पर मेरा ऑर्डर ऑर्डर है। Wow, smells delicious. Okay, let's start with something healthy. May I come in, madam? Yes, Mr. Sajan, आइए. Good morning, madam. Morning, Mr. Sajan. आपके चाचा जी कैसे हैं? मैडम चाचा जी को छोड़िए और ये नाश्ता भी छोड़िए, मैं आपके लिए मूलचंद की चाट लाया हूँ, अंडा चाहिए। Again, Mr. Sajan, wow, इस बार क्या लाए आप? Yay! Amazing, Mr. Sajan. Spoon? Okay, half. Wow, I love this. Amazing.
अमेजिंग मिस्टर साजन, बहुत ही अच्छा है। इस बार क्या फेवर चाहिए आपको? मैं इतना भी गया गुजरा नहीं हूँ कि हर बार आपसे फेवर मांगूंगा। ले मैं इसमें नींबू निचोड़ देता हूँ। Yeah, I love it. ये और चटपटी हो जाएगी अब। मिस्टर साजन, इतने दिनों के बाद मैं इतना टेस्टी चाट वाला ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हुई होगी मिस्टर साजन, कम ऑन बोल दीजिए जल्दी, कम ऑन जस्ट स्पिल इट आउट। कुछ नहीं है मैडम, बस ये और लाया था आपके लिए, मटर के पराठे। गर्मी पराठा है मिस्टर साजन, आई लव इट। वाओ, दिस इज अमेजिंग, थैंक यू सो मच मिस्टर साजन। ये कमाल के ट्रीट दे रहे हैं आप मिस्टर साजन, एक के ऊपर एक। कुछ तो गड़बड़ हुई है, कम ऑन मिस्टर साजन, अब बोल दीजिए सेट। बॉबी चाचा के सामने थोड़ा सा ड्रामा करना है मैडम, तो क्या एक दिन के लिए आप मेरी वाइफ बनेंगी? प्लीज हाँ कर दीजिए मैडम। चल यू गॉट इट, दिस इज बेटर। नहीं मैम, मैडम मैडम नहीं, थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम, थैंक गॉड, थैंक यू मैडम हाँ बोलने के लिए, थैंक यू। अरे बेटा तू परेशान होके ये उकड़ू स्टाइल में क्यों बैठी हुई है? देख मैं तेरे को इस बात की गारंटी देता हूँ कि इस घर से तेरे को कोई बाहर नहीं निकालेगा, समझी? तू बस घबरा मत। घबरा के तो नवाब साहब भागा करते थे। हाँ तेरी माँ को ना भगाने की गारंटी मैं नहीं ले सकता। तो लौटे देख, ये कश्मीरा आज से है ना सिंगल होने वाली है, तो इसकी सैलरी ना तू डबल कर दे। डबल कर दूं, पूरी सैलरी तो इसी के हाथ में जाती है। हैं? हाँ 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 चाचा जी, आप कह रहे हैं तो मैं कर देता हूँ। भाई कश्मीरा, आज से तुम्हारी सैलरी डबल है, लेकिन बाहर का आंगन भी साफ करना पड़ेगा फिर। अच्छा। ए बिलोटे, तूने कितनी देर पहले फोन किया था? ये वकील कहाँ है तेरा? अबे क्या कर रहा है, कहाँ पे है, कहाँ सड़ रहा है? ये यहाँ है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हेलो चाचा जी, प्रणाम। हेलो सर, माई सेल्फ खिलौनी। कानूनी एडवोकेट धर्मचंद कानूनी। भाई मैं कैसे मान लूं, धर्मचंद नाम रखने से कोई वकील थोड़ी ना बन जाता। अबे तू पहले ये बता कि तेरे पास LLB की डिग्री है? नहीं। बल्कि मेरे पूरे खानदान के पास LLB की डिग्री है। हाँ चाचा जी, इसके दादा दादी मम्मी पापा पूरा खानदान वकील है, ये खानदानी वकील है चाचा जी। बस शक्ल से तो ये मरीज सा लग रहा है। इसको तो ना मेडिकल स्टोर की दुकान खोल के बैठना चाहिए। अरे वही है चाचा जी। मतलब कि मेडिकल स्टोर के पास कैबिन है मेरा कोर्ट में। एनीवे मिस्टर साजन, ये तलाक के पेपर्स। ये तो असली है बे। यार तो इस ड्रामे में कुछ तो असली होना चाहिए ना बे। अरे यार भड़क क्यों रहा है यार, अगर मैं नकली पेपर लाता तो चाचा जी पकड़ नहीं लेते बे, हैं? अब तो तू क्यों टेंशन ले रहा है यार, मैं हूं ना यार, घर से बाहर निकलते ही इन पेपर्स के चीटड़े उड़ा दूंगा। अबे बिलोटे, ये तुम दोनों क्या घुसर पुसर कर रहे हो? कुछ 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 नहीं चाचा जी, मैं वकील साहब से कह रहा था कि भाई जल्दी से जल्दी तलाक हो जाना चाहिए। अबे जल्दी से जल्दी तो तलाक तब होगा जब जल्दी से जल्दी पेपर साइन करोगे। साइन करो पेपर। लो कश्मीरा, तुम भी साइन कर दो। ले बेटा, साइन करेगी कि अंगूठा लगाएगी? पढ़ी लिखी है, साइन करेगी। यार
धर दीजिए पेपर। भाई तलाक की बधाइयां, मुबारक हो। अब इस पेपर को मैं कोर्ट में जमा करूंगा, एक हफ्ते में तलाक मिल जाएगा। ऐसा करो, ये पेपर मेरे को दे दो। हाँ, अब तुम जाओ, ये पेपर से ना मैं खुद कोर्ट में जमा करवा दूंगा, इनको तलाक कल ही मिल जाएगा। आप भी कानून जानते हैं? नहीं, मैं जज को जानता हूँ। तो मेरा एक दोस्त है ना, वो कड़कड़दुमा कोर्ट के अंदर जज है। समझ के कल ही तेरे को तलाक मिल जाएगा। हा? अब तू शादी की तैयारियां कर। किसकी शादी चाचा जी? अबे तेरी और संजना की। भाई तूने उसको तलाक दिया था ना, अब तेरे को उससे दोबारा शादी करनी पड़ेगी। बेटा शादी का घर है, जरा साफ सफाई रखना है। एकदम बिल्कुल शाबाश, तू घबरा मत, घबरा मत। हाँ ये शादी हो जाएगी, पक्का ही हो जाएगी। मैं आपसे डांस की उम्मीद रखूंगा। नवाब साहब करते थे डांस? नवाब साहब तो बस एक ही चीज किया करते थे। अबे बताने दे ना, क्या करते थे? बेबी बात को समझने की कोशिश करो यार, चाचा जी तुम्हें घर से नहीं निकालेंगे। नहीं समझना मुझे कुछ भी, या तो इस चाचा जी को घर से बाहर निकालो, या भोपू को कह के मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी। भोपू को चलो बुलाओ, मैं भी देखता हूँ किसके बाप दादा में दम है जो मुझे इस घर से बाहर निकाले। बुलाओ उसको। अभी बुलाती हूँ, रुको तुम, अभी बुलाओ। बुलाओ। चाचा जी को कुछ मत करना, मैं उन्हें मुझे ले लो आप लपेटे में। लौटे। अबे बिलोटे क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहा है, सब ठीक तो है ना? हाँ चाचा जी, आई एम फिट एंड फाइन। अबे मुझे तो बहुत गड़बड़ लग रही है, तू ऐसा कर दरवाजा खोल। चाचा दो मिनट टाइम प्लीज, दो मिनट रुक जाओ, उसके बाद में फिर मार लेना मुझे आप। क्यों रुक जाओ? चाचा जी बाहर खड़े हुए दादी, मैं बस बाहर जाके उनको समझा के वापस अंदर आ जाता हूँ, फिर आप अपना मुशायरा चालू कर लेना ना। अबे बिलोटे चुप क्यों है, कोई प्रॉब्लम है क्या? चल जा, समझा उसे, लेकिन तू बाहर नहीं जाएगा। बाहर नहीं जाऊंगा तो उनको समझाऊंगा कैसे? बिलोटे क्या हुआ चाचा जी? अबे ये तो तू बता ना कि क्या हुआ, और तू ये पूरा का पूरा क्यों नहीं दिखाई दे रहा, बाकी की बॉडी कहाँ है? बाकी की बॉडी है ना अंदर कमरे में। तो उसको भी बाहर ला। नहीं नहीं वो आएगी। अबे और तू चिल्ला क्यों रहा था? वो चाचा जी, वो मैं कश्मीरा को समझा रहा था चाचा जी, आप तो जानते हैं ना आजकल की औरतों को प्यार के साथ थोड़ा डांट डपट के भी समझाना पड़ता है, वरना समझती नहीं है बात को। कोई नहीं, मैं उसको अभी समझा के आपके कमरे में आता हूँ, आप तब तक चल के आराम कीजिए चाचा जी। ठीक है, तू उसको ना अच्छी तरह समझा, और समझाने के बाद है ना मेरे पास आ जाइयो। है बच्चा तो आ जाऊंगा। मेरे से कुछ कह रहे हैं? नहीं नहीं आपसे नहीं कह रहा हूँ चाचा जी, मैं कह रहा हूँ आप चल के आराम कीजिए, मैं बस दो मिनट में आता हूँ। अच्छा ठीक है। मुशायरा शुरू करे। मैं कश्मीरा को इस घर से क्यों निकालूंगा दादी, जबकि मुझे पता है अगर वो इस घर से निकल भी जाएगी तो उसके अंदर से आप नहीं निकलोगे, आप कभी भी आके मेरा बैंड बजा सकती हो, समझो बात को। संजू दादी गई। हाँ दादी गई, दादी को समझ में आ गया कि तुम उनसे बच के कहीं नहीं जा सकते, जल्दी से मामला सुलटा वरना दादी तुम्हें सुलटा देगी।